सर आ रहा है, चल सीधा होकर बैठ। सुनाई नहीं दे रहा है, चल सीधा होकर बैठ। पता है, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे केस देखे हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्राइम प्यार या फिर पैसे के मैटर के लिए किया गया है। लेकिन ये एक लौता केस देख रहा हूँ मैं, जिसमें मुजरिम मेरे सामने बैठे हैं। यहाँ तक कि सारे सबूत भी मौजूद है कि ये सारे मर्डर्स तुमने किए हैं। लेकिन गजब की बात पता है क्या है, पूरे डिपार्टमेंट में अभी तक किसी को यही पता नहीं कि तुमने मर्डर्स किया क्यों। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि ये मेरा एरिया है। यहाँ अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो सीधा खोपड़ी में बुलेट उतार देंगे, इंट्रोगेशन का चांस ही नहीं। अगर प्यार या पैसे का ही चक्कर रहता तो सारा कब का भूल जाता। लेकिन जिस दिन उन कमीनों ने मेरे बाप को मारा था, उसी दिन ठान लिया कि सारा एक एक को कब्र में लिटा देंगे। इतने सालों से मेरे अंदर जो आग जल रहा है वो इतनी आसानी से बुझने नहीं वाली सर। और कोई बीच में आया तो उसकी भी। चल शुरू से बता। कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। चारों ओर हरियाली, नदियां, खुला आसमान, इन सभी को लेके मेरा छोटा सा गांव। यहाँ के लोग बड़े दयालु किस्म के हैं। किसी के साथ कितना भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके मुश्किल समय में पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो हर आदमी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन अभी ये सब लोग अपने आप को बदल के एक नई जिंदगी का शुरू किए हैं। और इस बदलाव का कारण है मिस्टर परशुनाथ शास्त्री, मेरे पापा। गांव में हर कोई उन्हें भगवान मानते हैं। उनके एक इशारे पे लोग मरने को भी नहीं सोचते। उन्होंने गांव के भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल, जरूरतमंदों को फ्री में दवाई देते हैं। जिसके पास मकान नहीं है उनको मकान बना के दिया है। सब कुछ सही चल रहा था। मेरा एक अच्छा सा कंपनी में जॉब लग गया था। मैं और प्रेरणा, हम लोग शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। तेरे वर्गा था मैनु कोई दसदा नहीं, मैं ता लाया बड़ा दिल कितने लगदा नहीं। तेरी खैर मंगदा
जो नैना चिप लाया है शराबी रंग लाया तेरे इश्क च होया मैं मलंग सजना तेरी डोरी आनू लेके दिल आगे ते बैके आज उठता है जैसे कि पतंग सजना तू जो नैना चिप लाया है शराबी रंग लाया तेरे हमारे गांव के ऊपर विक्रम का नजर पड़ चुका था। विक्रम हमारे गांव के आसपास के लगभग सभी गांव को अपने नाम करवा चुका है, या तो पैसे के दम पे या फिर बंदूक के। एक बार वो आया था हमारे घर पापा से गांव के बारे में बात करने के लिए। पापा ने साफ मना कर दिया था, लेकिन जिस दिन वो मेरे घर आया था उसी दिन उसको टोक देना चाहिए था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। It's caught in the crossfire.